संसार में अगर कोई रोग है तो उसकी औषधि बताई गंगा, वैद्यो नारायण हरि, और वैद्य बताए भगवान। नारायण ही वैद्य है, परमात्मा ही वैद्य है। वो औषधि क्या? जाह्नवी तोयम, इसका अर्थ है पवित्रता। या जाह्नवी का आशय पवित्रता से भी है, शुचिता से भी है। जाह्नवी तोयम का अर्थ यहां उस पवित्रता से है जो परमात्मा के स्मरण से मिलेगी अथवा तो महापुरुषों की संगति से। महात्माओं का परिवेश पवित्र होता है। एक आपको बहुत योग युक्ति की बात बता रहा हूं। जब मन अपवित्र होता है तब वीतराग महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए, निर्ग्रंथों का, जो वीतराग हैं। वीतराग महापुरुष चित्त को सह शांत कर देते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा, किसी भी अवस्था में आप ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष, भगवान का ध्यान करने से पवित्र हो जाते हैं, आचमन करने से आप पवित्र हो जाते हैं, स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, ध्यान करने से पवित्र हो जाते हैं। पवित्र करते अपनी उस स्वरूप की स्मृति में लौटना। आत्मस्मृति से, आत्मज्ञान से व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। जैसे सोने को भट्टी में तपाएं तो वो पवित्र हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भागवत में कथा आती है, मणिग्रीव और नलकूबर वैश्या अप्सराओं की संगति में कुचेष्टा कर रहे थे। नारद से वो देखा नहीं गया और नारद ने कहा देखो तो सही, इस पवित्र परिवेश में भी और ये असभ्य हैं, अशिष्ट हैं, इनका आचरण सही नहीं है, इनकी क्रियाएं सही नहीं है। तो प्रत्येक अवस्था में आप भद्र बने रहें, शिष्ट बने रहें, सुसंस्कृत बने रहें, संयत रहें, मर्यादित रहें। ऐसा तभी संभव है जब ज्ञान आचरण में हो।